from class. I am Miss Yusra, your physics teacher. Today our topic is variation of g with altitude. आपने g की यानी small g जो है आपका gravitational acceleration जिसे आप कहते हैं उसमें variation check करनी है, changing check करनी है with altitude आपकी height के according. Altitude का मतलब होता है height. अभी आपके सामने एक diagram है जिसमें आपको एक earth नजर आ रही है जिसका radius है ME. और इस अर्थ के सेंटर से लेके एज तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर यानी अर्थ का क्या है रेडियस. अब एक बॉक्स है लाइक कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेस है एक सम हाइट के ऊपर स्मॉल एम. अब एम का जो डिस्टेंस है एम से लेके अर्थ के एज तक इसे आप कह रहे हो स्मॉल एच. और जो रेडियस है सेंटर से लेके आपके अर्थ के एज तक वो है आर. अब अगर आपने बॉक्स का एम का डिस्टेंस उसके अर्थ के सेंटर से चेक करना है तो आप दोनों रेडियस को कंबाइन कर दोगे लाइक एच प्लस आर. तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका मैस बॉक्स के मैस से लेके अर्थ तक के सेंटर तक. फ्रॉम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था जिसकी मॉडिफाइड फॉर्म थी कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर. इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे. कैपिटल जी आपका कांस्टेंट है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी. एम ई बेस में ई अर्थ के लिए है मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम ये वाला ऑब्जेक्ट का मास. एंड आर स्क्वायर आर यहाँ पे आपका डिस्टेंस है. विद ऑल्टीट्यूड एम अगर आपका ऑल्टीट्यूड इंक्लूड हो मतलब हाइट उसमें इंक्लूड हो तो आपका डिस्टेंस क्या बन जाएगा आर प्लस एच. जैसा आपने अभी डायग्राम में देखा था कि आर कहाँ से तक का डिस्टेंस है सेंटर से लेके एच तक का और एच एच से लेके उस बॉक्स तक का जो अर्थ से एक डिस्टेंस के ऊपर प्लेस है. अब नेक्स्ट आपके पास है स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ. एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच. अब आपने यहाँ पे एच की क्यों बात की क्योंकि यहाँ पे हाइट का जिक्र है. अगर हाइट का जिक्र होगा हाइट इंक्लूड होगी तो आप स्मॉल जी के साथ एच लगाएंगे वरना आप सिंपल एम जी ही लिखेंगे. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2. By equating equation number 1 and 2, आप equation 1 और 2 को equate कर दें compare कर दें क्योंकि इसकी आप देखें left hand side same है तो right hand side equal आ जाएगी. MGH is equal to capital G M E M over R square. Both small m cancel out हो जाएंगे. Remaining आपके पास क्या रह जाएगा GH is equal to capital G M E over R square. अब यहाँ पे आप देखें R की जगह पे हमने क्या कहा कि हमारा distance क्या है R plus H height की वजह से क्योंकि हम यहाँ पे GH use कर रहे हैं. जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई. अब इस कैपिटल आर की जगह हम आर प्लस एच का होल स्केयर लिख देंगे क्योंकि अब हमारा जो डिस्टेंस है वो सिर्फ आर स्केयर नहीं है अब हमारा डिस्टेंस आर प्लस एच का स्केयर है. ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई. इफ देयर इज नो हाइट इंक्लूडेड, ये इक्वेशन 3 आप तब यूज करेंगे जब हाइट इंक्लूड होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर होगा अर्थ से तो हम ये इक्वेशन 3 का फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर यहाँ पे हाइट ना हो तो पुट एच इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 3. अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो जी एच की जगह पे देखें हम एच नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइट नहीं है तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर सिंपल फॉर्मूला रह जाएगा आपके पास. तो ये आपका वेरिएशन ऑफ जी था विद ऑल्टीट्यूड. आपने स्मॉल जी और कैपिटल जी को मिक्सअप नहीं करना. स्मॉल जी आपका होता है एक्सेलरेशन ग्रेविटी एक्सेलरेशन और कैपिटल जी आपका होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट. दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है. स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कैपिटल जी की है 6.67 इंटू 10^-11. तो दोनों को आप मिक्सअप ना करें. नेक्स्ट है आपका सेटेलाइट. सेटेलाइट क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के गिर्द घूमता है वो आपकी क्या कहलाती है सेटेलाइट. लाइक आप एग्जाम्पल लें मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. जो चांद है आपका अर्थ के गिर्द घूम रहा है. अब मून आपका क्या है एक सैटेलाइट है और अर्थ आपकी क्या है प्लैनेट. तो मून आपका क्या है नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि चांद जमीन सूरज सबको किससे बनाया है अल्लाह ताला ने. तो ये एक नेचुरल सैटेलाइट है. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो मैन मेड है मीन्स हमारी इजाद है जो इंसान ने बनाई है. ऐसी सैटेलाइट जो इंसान की बनाई हुई है उसका किसी भी प्लैनेट के गिर्द घूमना आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाएगा. मैन मेड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. थैंक यू.